नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टे और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। एंड द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे चेहरे का नूर क्यों है ये, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया है आरटीपी विच आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर। एंड वॉट अ ब्रिलियंट आरटीपी, बहुत मजा आने वाला है आप लोग के साथ ये आरटीपी डिस्कस करने के लिए। एंड अब मैं फिलहाल जो सेशन ले रहा हूं, आई विल बी हैविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू के आरटीपी आपसे क्या कहना चाहता है, एंड लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन। उसके बाद में थ्रू अदर वीडियोस मैं अलग अलग क्वेश्चंस का एक डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो भी बनाऊंगा विद बाय गिविंग यू द सोल्यूशन। सो दैट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। सो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अब बहुत जोर शोर में चल रही होगी, एंड राइट टाइम है अब फॉर डूइंग द आरटीपी। सो क्या डिस्कशंस है, क्या आरटीपी में नया है, क्या इंस्टीट्यूट ने पुराना ही रखा है, एंड व्हाट एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, लेट्स क्विकली डिस्कस दैट। सो 10 क्वेश्चंस है इन ऑल, यस 10 क्वेश्चंस है इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंड लेट मी टेल यू ऑल द क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो केस स्टडी बेस्ड नहीं है। सो आई थिंक अब एकदम क्लियर हो गया है भाई न्यू सिलेबस वालों कि तुम्हारा पेपर का पैटर्न कैसा होगा। अब तक तुम लोग बोलते थे सर थ्योरी होगा प्रैक्टिकल होगा, अरे भाई थ्योरी प्रैक्टिकल दिमाग से हटा दो फॉर गॉड सेक, स्टार्ट टेकिंग इट एज अ केस स्टडी ओरिएंटेड पेपर। अगर कोई हार्डकोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ना, उसमें भी इंस्टीट्यूट आपसे एनालिसिस मांगेगी, उसमें भी इंस्टीट्यूट आपसे डिस्कशन मांगेगी, उसमें भी इंस्टीट्यूट आपसे इवैल्यूएशन मांगेगी, तब क्या करोगे, तब कहां पे जाओगे। मैं बोल रहा हूं आपको सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने ओल्ड सिलेबस में पढ़ा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना न्यू सिलेबस में और एक पेपर में आया, बट वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ नीचे 3-3 मार्क के थ्योरी क्वेश्चन डाल दिए आस्किंग स्टूडेंट्स टू एनालाइज, विच इज वेरी गुड भाई, यही चाहिए। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना एनालिटिकल पावर हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब तक जो एक परसेप्शन था कॉस्टिंग को लेके, आई थिंक वो अब एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है। तो आप लोग भी जब पेपर के लिए अपना पेपर लिखने बैठे हो नवंबर 20 का, बी वेरी क्लियर एज रिगार्ड्स द पेपर। सो इट इज गोइंग टू बी अ केस स्टडी ओरिएंटेड पेपर। जी हां, आपको पढ़ाई भी वैसे ही करनी है आपकी, आई एम श्योर अब आपने पढ़ाई वैसी ही की होगी, एंड डोंट एक्सपेक्ट इट अ हार्डकोर प्रैक्टिकल और अ हार्डकोर थ्योरी। लेट्स यूज द वर्ड एनालिटिकल। एनालिटिकल में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। केस स्टडी इन इटसेल्फ जस्टिफाइज प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी विच इज एनालिटिक्स। सो यहां पे अब अपने को ये चीज तो एकदम क्लियर हो गई है कि भाई कैसा पेपर का पैटर्न रहेगा, तो अब अपने को वो चीज का टेंशन लेना ही नहीं है। वी जस्ट हैव टू बी क्लियर विद आर कॉन्सेप्ट्स, अपने को श्योर रहना है कि वी नो द होल चैप्टर एंड हाउ वी हैव टू अप्लाई इट विद आर प्रैक्टिकल माइंडसेट। जी हाँ, कुछ क्वेश्चन इसमें है एब्सोल्यूटली न्यू, मतलब आपके मॉड्यूल आरटीपी पीएमवीएम कहीं नहीं दिखने वाले आपको। ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ये आरटीपी में डाले जो आप और मैं डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एंड दे आर ब्रिलियंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो एक दो क्वेश्चन आपको लगेंगे कि हाँ ये थोड़ा देखा हुआ है। सो एक मिक्स मैच करके इंस्टीट्यूट ने ये आरटीपी लॉन्च किया है, एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल फॉर श्योर। मतलब जैसा मैंने आपको बोला, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस आरटीपी टू कम सो दैट कुछ नई चीजें आप लोग के साथ मैं डिस्कस कर सकूं, एंड थैंकफुली नाउ इज द टाइम। नो नीड टू पैनिक एट ऑल, क्वेश्चन आर वेरी गुड एंड क्वेश्चन आर प्रीटी चैलेंजिंग, सो चैलेंजिंग चीज करने में अपने को मजा आता है, सो वी डोंट हैव टू लुक बैक। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लिसन टू द लेक्चर्स थरली एंड यू विल बी थ्रू। फटाफट मैं आप लोग को ये जो 10 केस स्टडीज है, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड केस स्टडीज, हर एक क्वेश्चन एक केस स्टडी है, ये जो 10 केस स्टडीज है उसका मैं क्विक ओवरव्यू देता हूं सो दैट मेंटली आप लोग को क्लियर हो जाए कि हाँ भाई चलो अपने को आरटीपी से रिलेटेड ये चीजें पढ़नी है, एंड एक कनेक्ट बैठ जाएगा कि हाँ भाई चलो अपना नवंबर 20 का पेपर भी कुछ इस लाइंस पे इंस्टीट्यूट निकालने वाली है। सो इन दोस टर्म्स अपन लोग क्लियर हो जाएंगे, एंड देन फिर डिटेल डिस्कशन करते जाएंगे तो और क्लैरिटी आते जाएगा कि जो जो भी कॉन्सेप्ट्स आईसीएआई ने यहां पे टेस्ट करने का एक प्रयत्न किया है, वेदर दैट इज बीइंग जस्टिफाइबल और नॉट। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू एससीएम, वो चैप्टर से एक कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप लोग को याद हो तो माइकल पॉटर्स का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लो कॉस्ट थ्योरी है। सो
अगर कोई प्रोडक्ट को आज की तारीख में एकदम टॉप पे आना है तो दो चीज बहुत जरूरी है, एक लो कॉस्ट एडवांटेज, दूसरा डिफरेंसिएशन। सो उससे रिलेटेड है ये फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम प्रैक्टिकल है। मैं देखो एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, जब अब आप कॉस्टिंग का पेपर लिखने जाओ ना तो ऐसा नहीं कि बस खाली मॉड्यूल से रिलेटेड ही नॉलेज रखो, नो नहीं चलेगा, आपको ओवरऑल मार्केट का नॉलेज होना चाहिए एंड यू हैव टू अप्लाई दैट मार्केट का नॉलेज इन योर पेपर्स एज वेल। ये ही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। यू नो अब तक लोग यही बोलते थे कि यार इंस्टीट्यूट का क्या है, सिर्फ मॉड्यूल पीएम करके जाओ लोग हो जाते हैं पास। कॉस्टिंग में अब ऐसा नहीं चलेगा बॉस, कॉस्टिंग में आपको एक्सटर्नल नॉलेज भी चाहिए, कॉस्टिंग में आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट का नॉलेज भी चाहिए आप जो लिखने वाले हो, एंड दैट विल मेक यू अ ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ दिस होल सब्जेक्ट। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद दैट एंड इट्स अ गुड थिंग एज आई सेड कि ये एक इंटरनेशनल ओरिएंटेडनेस के साथ जो इंस्टीट्यूट जा रहा है ना, एटलीस्ट इस सब्जेक्ट के लिए मैं अश्योरिटी ले सकता हूं इट इज ऑन द राइट ट्रैक। कुछ क्वेश्चंस है, ये वाला जो क्वेश्चन है, दो तीन और क्वेश्चंस है जो इंस्टीट्यूट ने कहीं और से मॉडिफाई करके पिकअप किया है विच आई नो, सो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एंड इट्स गोइंग टू बी रियल फन डूइंग दोज। सेकंड इज रिलेटेड टू मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, इंस्टीट्यूट ने हेडिंग दिया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट डाला है इंस्टीट्यूट ने उसका हेडिंग, और आप पूरा सम पढ़ लोगे, आंसर पढ़ लोगे और फिर याद करोगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तो कुछ ऐसा था ना, प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है कंज्यूमर पे एंड होता है, बट है ऐसा नहीं है, नहीं है बट नॉट एग्जैक्टली। सो एज आई सेड दो तीन चार कॉन्सेप्ट है, सबका कॉम्बिनेशन करके एक सम बन रही है, बन रहा है यहां पे। देन अगेन आप देखोगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट स्ट्रेटेजी, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, जो है चैप्टर वन एंड चैप्टर फोर का कॉम्बिनेशन। अब इसमें भी जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको समझेगा कि हाँ यार चलो टारगेट कॉस्ट से रिलेटेड चीजें है इसमें, बट वैल्यू चेन एनालिसिस कहां पे आ गया भाई। क्वेश्चन पढ़ने के बाद लेट मी टेल यू, मैंने ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना वो फर्स्ट टाइम पढ़ा है आज, बाकी सब क्वेश्चन मैंने देखे हुए इधर उधर, बाकी सब जगह मैंने देखा हुआ है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा एंड मैंने मेरे हिसाब से जो थॉट प्रोसेस है उससे आंसर दिया, फिर इंस्टीट्यूट का आंसर देखा, मैं बोला भाई साहब ये तो कोई अलग ही दुनिया है, इंस्टीट्यूट ने इसमें वैल्यू चेन एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन यूज किया है विच इज गुड विच इज ओके अंडरस्टैंडेबल बट द वे दे हैव यूज्ड इट सो अच्छा गुड। Equally challenging for the professor as well. So student तो क्या बोलूं मैं, चलो। So next is modern business environment. उससे related theory of constraints का एक beautiful sum है. Let me tell you, अगर आपने मेरा test series लिया था जो अभी चल रहा है, so उसमें भी अपन लोग ने ये same question डाला है. And let me tell you, this also is the same question which was asked in the year May 2019. अगर आपको याद हो तो गुजरात सौराष्ट्र का पेपर डिले हुआ था बाय अराउंड 10 to 15 days, वहां पे इंस्टीट्यूट ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था इन द ईयर मई 2019। आपको कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट के मतलब पोर्टल पे सजेस्टेड रजिस्टर्ड कहीं नहीं मिलेगा, बट इंस्टीट्यूट ने वहां पे ये चीज पूछी थी और अब उन्होंने आरटीपी के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया है। वी विल डिस्कस दिस, इट्स अ नाइस सम। देन डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्टिंग सुन के अपने को क्या लगता है यार ये सब पीवी रेशियो और ये सब चीजें होगी, 1% भी ऐसा नहीं है। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। यहां पे एक कंपनी है जो कुछ काम एथिकली कर रही है और कुछ काम नॉन एथिकली कर रही है। अब जो अनएथिकल काम है ना उससे उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, बट क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा हाँ या ना, इज द डिसीजन दैट यू हैव टू मेक कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज सही नहीं है तो शायद अपन लोगों का डिसीजन कुछ और होगा। कहीं पे 1% का न्यूमेरिकल चीज नहीं है डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन में, बट इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो अगेन वो न्यूमेरिक्स के पीछे भागना छोड़ दो जो तुम लोग यूजुअली कॉस्टिंग के पेपर में एक्सपेक्ट करते हो, हाँ एक लाइव केस स्टडी होगा, लाइव सिनेरियो होगा एंड दैट्स व्हाट वी विल चेस, यूज आर प्रैक्टिकल माइंड एंड वी विल कम अप विद आर सोल्यूशन, दैट्स द अप्रोच जो अपने को रखना है। मैं भी जब ये डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं यही करूंगा, मेरे को पता है कि आप लोग के पास टाइम कम है, अच्छा बहुत कम है, सो वॉट आई विल डू इज मैंने तो क्वेश्चन पढ़ लिया फटाफट आप लोगों को पूरा केस का एक हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दूंगा, फिर
एक स्टूडेंट व्यू पॉइंट से उसका क्या थॉट प्रोसेस होता है वो डिस्कस करूंगा, एंड देन उसको कनेक्ट कर दूंगा आईसीएआई के सोल्यूशन के साथ। सो तीनों चीज कनेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले अपन केस को प्रैक्टिकली समझ लेंगे। प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप कोई भी सिचुएशन पढ़ रहे हो, थिंक एज इफ यू आर द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, एंड फिर अपने को अपना थॉट प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है। सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन ऑल द 10 क्वेश्चंस। सीईओ बन के केस को एनालाइज कर लेंगे। सेकेंड में सेकेंड चीज जो अपन लोग करने वाले हैं वो एक स्टूडेंट व्यू पॉइंट से आप लोग के जो पॉइंट्स हैं उसको मैं कवर कर लूंगा, एंड देन आईसीएआई ने जो दिया है तो ये एक ब्रिज है, वो ब्रिज को कवर करके वी विल रीच टू व्हाट आईसीएआई वांट्स। एंड आई एम श्योर आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह एक सिस्टमैटिक वे में कैसे एक सम को अप्रोच करना है, ये 10 सम के थ्रू आई विल बी इंश्योरिंग कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। मूविंग ऑन, फिर आता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर एक प्रॉपर न्यूमेरिकल सम बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। बट लेट मी टेल यू, यहां पे भी उन्होंने एनालिसिस मांगा है। सो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का जो स्टेटमेंट है ना, प्रोडक्ट वाइज स्टेटमेंट, वो बनाना बहुत ईजी है, बट उसका जो एनालिसिस है ना, दैट इज वेरी मेटिकुलस। तो उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे लाइन बाय लाइन आइटम, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो आपका होना चाहिए, कैसे उसको प्रेजेंट करना है फॉर आईसीएआई, इज व्हाट वी विल बी डूइंग हियर। देन कम्स अ क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कौन रहे हो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ऑप्शन छोड़ा, मेरे सामने मत आना। नहीं तो सो मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर के ऊपर एक ब्रिलियंट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया है। सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने May 20 के MTP में भी पूछा है। समझ रहे हो तुम लोग कनेक्शन? सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यहां पे जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने May 20 के MTP में पूछा है। कुछ कनेक्शन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सो वी विल डू इट थरली। मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर को मैं पहले आपको डिटेल में लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा, एंड ऑब्वियसली देन अपन लोग उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे। देन कम्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन। मैं फ्रेंकली बोलूं तो मुझे पता भी नहीं है चैप्टर का क्वेश्चन है या कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। हार्ड कोर लॉजिकल बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा जरूरी है या फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन। यस, यू हैड दैट राइट। क्या जरूरी है आपके हिसाब से, सोचते रहो आप लोग। जब मैं सॉल्व करवाऊंगा YouTube के थ्रू तब इसका आंसर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। काफी बार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, आई थिंक November 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 भी नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर से रिलेटेड ही था, मेकिंग इट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट अगेन बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भाई साहब चल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 भी तुमने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 10 भी तुमने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का पूछ लिया। क्या कोई हिंट देना चाह रहे हो हमको? हम बहुत स्मार्ट है, वी विल कैच द हिंट। सो लास्ट क्वेश्चन अगेन एंड्स अप विद अ स्मॉल क्वेश्चन दिस टाइम, बट ऑन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सो लेट्स एनालाइज ऑल द 10 क्वेश्चंस इन डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोस। एंड जैसे जैसे मैं एनालाइज करते जाऊंगा, डेफिनेटली मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स वहां पे टच बेस कर पाऊं वो भी करते रहूंगा। इन द मीन टाइम आप लोग मेरे सब रिविजन वीडियोज एटलीस्ट वॉच कर लेना, देख लेना, सो दैट आप लोग और मैं सेम लाइंस पे हो, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। एनीथिंग एल्स वी विल कीप ऑन डिस्कशिंग, वी विल कीप ऑन मीटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस विद दीज एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग अप। ठीक है, चलो गाइस विल साइन ऑफ फ्रॉम हियर, क्योंकि अब मेरे को डिटेल डिस्कशन का वीडियो बनाना है। सो बहुत जल्द मिलेंगे आप लोग से। अस्ता ला विस्ता, टेक केयर, बाय बाय। सी ए संकल्प कास्ट हियर।